नमस्कार दोस्तों वीएम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये दूसरा एपिसोड आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों वीएम चैनल वास्तु के आधारित जितने भी पॉइंट्स है उनको आप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, तो आप वास्तु के हिसाब से जो जो चीज़ें आपके सामने आएगी वो सारी चीज़ें मैं साइंटिफिकली आपको बताता जाऊंगा और साइंटिफिकली कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा। आज मैं ऐसे पॉइंट लेने जा रहा हूं जो हमारे बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करते हैं, जिनको मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। मैं कई बार विजिट में जाता हूँ और देखता हूँ, कई बार मेरा काम पूरा होता है तब तक मैं कुछ बताता नहीं, तो कई लोग बोलते हैं कि सारे वास्तुशास्त्री ने मुझे बताया कि ए अर्जुन और कृष्ण का जो चित्र है वो हटा दिया जाए और आप जल्दी से हटा दो, मगर आपने ही क्यों नहीं बताया। दोस्तों सही बात बताऊँ तो मैंने क्यों नहीं बताया, आप क्या सोचते हैं? अगर ये बताना इतना जरूरी होता तो मैं चुकता भी तो नहीं, क्योंकि मैं साइंटिफिकली आपको समझाता हूं कि इनको अगर कोई भी आदमी कहता है या तो बुक्स पढ़ के बार बार यही बात करता है कि इनको ये चित्र हटाया जाए वो चित्र हटाया जाए, और खास तौर से जब भी कोई भी आदमी ये चित्र यानी कि कृष्ण अर्जुन का चित्र अगर हटाने को बोलता है तो वो क्या सोच रहे है? मैंने उनको पूछा कि आपको सबने क्यों हटाने को बोला, तो कई लोगों ने मुझे बताया कि इनसे घर में घर के अंदर तकरार होती है, झगड़ा होता है। झगड़ा कैसे होता है? तो मैंने उनको पूछा कि आप एक काम करो, मुझे पहले ये बताओ कि ये चित्र के अंदर क्या है। तो बताया कि ये चित्र जो है वो चित्र के अंदर एक चीज है, कृष्ण अर्जुन। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को युद्ध के अंदर ले गए थे और गीता का जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान इस चित्र के अंदर है। मैंने पूछा कि अगर गीता का ज्ञान दिया गया है तो हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर का ज्ञान कौन सा है? तो कि गीता का ज्ञान। अगर गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान खुद दे रहे हैं, वैसा चित्र अगर घर में रखने से युद्ध होता है तो मैं ये बात समझ में आती है? मुझे तो नहीं आती। जो कृष्ण भगवान पूरी दुनिया को एक चीज गीता ज्ञान दे गए हैं, वही गीता ज्ञान का अगर पिक्चर आपके पास है और वो अगर हटाने को कोई बोल रहा है कि इनके कारण युद्ध होता है, नहीं। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूं कि गीता ज्ञान का जो पिक्चर या तो इनका जो अर्जुन और कृष्ण का जो चित्र है उनको हटा दिया जाए, मैं कभी नहीं कहता, किसी को भी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इससे अच्छा कोई पिक्चर नहीं हो सकता। एक घर के अंदर रखिए, कभी भी इनसे युद्ध नहीं होता, क्योंकि वो युद्ध करने को बोलते ही नहीं है। ये तो धर्म युद्ध है, किसी को सही बताना गलत नहीं है, मगर गलत कैसे हम बताते हैं वो भी तो इफेक्ट करता है। तो इसी तरीके से घर के अंदर ये चित्र लगाने से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, मन के अंदर से एक डर निकाल दीजिए। झगड़ा होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसके अंदर मैं पहला कारण आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका ईशान कोण के अंदर किचन है, और आप समझ सकते हैं किचन का मतलब क्या हुआ, रसोई घर का मतलब हुआ कि इसके अंदर आग है। ईशान कोण क्या है? जल की सपाटी है। अगर जल की सपाटी के अंदर आग आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप ही पानी और आग इकट्ठा होता है तो झगड़ा होता ही है। अभी समझ लीजिए, इनको हटाने की जगह आप ये चित्र हटा रहे। इस फैमिली के साथ मेरी ये बात हुई थी कि मैंने बताया कि इतने सारे लोग आए थे और आपने आपको बताया था कि इनको हटा दो, तो आपने क्यों नहीं हटाया? तो बोले साहब बहुत कॉस्टली था, इसके कारण हमारा जी नहीं चाहा, इनसे आपको तकलीफ होती है फिर भी आपने रखा। नहीं, ये अच्छा हुआ कि आपने नहीं निकाला। उन्होंने अगर निकाल दिया होता, अभी कोस्टली था, यात्रा में गए थे वहां से अच्छा चित्र मिला था तो लेके आए थे। तो दोस्तों ऐसी कई सारी चीजें ऐसी है कि हम इसके बारे में बहुत सारी भ्रमणा लेके घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दोस्तों एक एक चीज मैं आपको बताता जाऊंगा। कई लोग बोलते हैं घर के अंदर क्या करेंगे, टूटी फूटी चीजें मत रखो, इनसे हमें ये होता है वो होता है ये होता है। देखिए टूटी फूटी चीज रखने को मैं भी मना करता हूं, मगर टूटी फूटी चीज से कुछ होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। टूटी फूटी चीजों को इकट्ठे करने से एक जगह आपकी जो कीमती जगह है वो चली जा रही है,
टूटी फूटी चीजों को जहां रखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी जगह है जहां आप वेट रख सकते हैं, तो आपने वहां ये रखा है, इनके कारण क्या हुआ कि यहां रखने की जगह, यहां रखने की चीजें दूसरी जगह पे आपने रख दी है, दूसरी जगह पे जो चीजें रखी है इनके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी वहां से हटा के अगर यहां रखना है तो ये टूटी फूटी चीजें अगर घर से निकल गई तो आपको बहुत सारे, और दूसरी चीजें कई बार हम टूटी फूटी चीजें इसलिए रखते हैं कि पीछे काम आएगी। आपने सोच देखा होगा कि जब जब जितनी भी चिट्ठी आपने इकट्ठी की है वो इकट्ठी की हुई चीज कभी काम नहीं आई होगी, क्यों? जब आपको काम होगा तभी ये कहीं खो गई होगी, या तो काम आए ऐसी स्थिति में ही नहीं रही होगी। तो दोस्तों एक हमेशा ध्यान रखे, घर के अंदर ज्यादा तौर से एक तो सामान कम रखे, कम से कम ऐसी टूटी फूटी चीजें रखें, और जितना भी हो सके आप ऐसी कोशिश कीजिए कि घर के अंदर वेट कम हो। हम भारी भारी पलंग, भारी भारी कपबोर्ड, अलमारियां बना के रख देते हैं, कहीं टीवी यूनिट बड़े बड़े बनते हैं। आजकल तो बहुत स्लो रोल छोटा छोटा टीवी और हल्का सा टीवी यूनिट बनने लगे हैं, पहले तो बहुत भारी बनते थे। तो ये सब चीज़ों के कारण आपको बहुत सारी नुकसानी हो रही है। आपको मालूम है पहले के वास्तु में और आज के वास्तु में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। हिसाब से जो मकान बनता था, मकान बड़े थे, सामान कम था। आज क्या हो गया? सामान बहुत ज्यादा हो गया और फर्नीचर ये सब मिला के इतना कुछ कर दिया और कमरा हो गया छोटा। अभी छोटे कमरे के अंदर सांस लेने की कोई जगह हो तो एनर्जी निकले ना, एनर्जी निकलती ही नहीं है और सारी एनर्जी इसके नीचे दबी हुई है। तो सारी दबी हुई एनर्जी बाहर निकलेगी तो आपको फायदा करेगी ना। तो एक चीज है, आपको मैं वास्तु के हिसाब से जितनी भी अच्छे ऐसे अच्छे पॉइंट होंगे वो आपको बार बार बताता जाऊंगा, और इनका घर में सुधार करते जाइए, सुधार करते जाएंगे तो अपने आप ही इनका फर्क पड़ेगा। एक हर चीज क्यों और कैसे की जाती है इनका भी मैं बार बार विवरण दूंगा, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं हर क्लाइंट हर कस्टमर को बोलता हूं कि आप पहले मेरी बात समझ लीजिए। आप फॉलोअप्स करते हैं मगर बिना समझे करेंगे तो कल गलती होगी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं पूरी बात पहले साइंटिफिकली इनको समझाना चाहता हूं और समझ जाए इनके बाद ही उनको फॉलोअप्स करिए, ताकि क्योंकि जो आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ये जब भी आप समझ जाएंगे तो अपने आप ही आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों आज से कई सारी चीजें ऐसी है जो आपके घर के अंदर बिना काम की पड़ी है उनको आप निकाल दीजिए। दूसरी चीज एक आपको बताने जा रहा हूं, घर के अंदर कौन सी चीज कहां और कैसे रखनी चाहिए, खास तौर से फोटोग्राफ्स की बात करूं। आपके अंदर पूर्व दिशा, तो दोस्तों हमेशा देवी देवता का चित्र है, कोई भी गुरु का चित्र है वो पूर्व दिशा में पूर्व की दीवार पर लगाए ताकि आपको इनका प्रभाव जल्दी से और अच्छा सा मिले। दूसरी चीज, घर के अंदर से स्वर्गस्थ व्यक्ति जो भी है इनकी सारी तस्वीरें साउथ की दीवार पर लगाई जाती है। साउथ ये यम का द्वार है, जो यम को प्यारे हुए हैं उनको ये साइड में लगाई जाती है। दूसरी चीज, 13 साल से ऊपर के जितने भी फैमिली फोटो में बोला जाता है वो फैमिली फोटो का जितना भी प्रभाव है वो वेस्ट की दीवार पे यानी कि पश्चिम की दीवार पे लगाया जाता है। बौद्धिक विकास 13 साल तक में हो जाता है, इसलिए उत्तर की दीवार पे 13 साल तक की तस्वीरें हैं वो आप नॉर्थ की दीवार पर लगा सकते हैं ताकि इनका बौद्धिक विकास ज्यादा से ज्यादा हो। उत्तर के अंदर बुध का प्रभाव है और वो मिलते ही इनके अंदर बुद्धि का विकास होता है। सूर्य के प्रभाव से हमें आशीर्वाद और पूजा पाठ होता है। इनके बाद साउथ के अंदर यम द्वार है, जहां हमारे स्वर्गस्थ हुए है वो यम द्वार में है, इनका हम दर्शन कर सकते हैं। और पश्चिम के अंदर हम आज या कल जाने वाले हैं उनकी याद दिलाता है। दोस्तों आज आप बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे और इनके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी कर दीजिए, यही नीचे ही बटन है आप दबा दीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पे जाइए, फेसबुक पे जाइए। बाद एक में प्रोग्राम लेता जाऊंगा और ये प्रोग्राम के बाद आपको आखिर में ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, अभी आज तक हम जो समझते आए थे या सोचते आए थे वैसा नहीं है। वास्तु एक साइंस है, इनकी एनर्जी कैसे काम करती है, हर एक चीज पर नई नई चीजें बताता जाऊंगा। कि मैं अगले पॉइंट के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि आपके अंदर पैसा, आपके घर के अंदर पैसा आता है मगर रुकता नहीं है।
तो इनका कारण क्या है और इनके लिए आपको क्या करना चाहिए। इनके बाद में बताऊंगा कि अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या करना चाहिए और कैसे वो पढ़ेगा, क्या करने से उनको फायदा होगा। ऐसे हर एक पॉइंट मैं क्रमशः लेता जाऊंगा और वही चीज आपको बताते बताते आपको पूरा वास्तुशास्त्र का ज्ञान यही देना चाहूंगा। दोस्तों दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आगे यहां बटन है आप दबा दीजिए और इनको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अच्छा लगे तो आप दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए ताकि सभी को भी इनका लाभ मिल सके। मैं अगले एपिसोड के अंदर वापस आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार।